हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इस ड्रामा का पिछले वाला पार्ट नहीं देखा हो तो उसे भी देख लेना, क्योंकि अगर आप स्टोरी स्टार्ट से नहीं देखोगे तो ये वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलो और बातें किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हूँ। हमें पिछले पार्ट में देखा था कि जियान लान से शादी करने को मना कर देता है और वो युबिंग से ही शादी करूँगा बोल देता है, और दोनों फैमिलीज़ के पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं ये सब सुनकर। युबिंग उससे शादी करने के लिए मना करती है और लान को तो उससे शादी करनी ही नहीं होती। वहाँ पर काले कपड़े में एक इंसान आता है जो सबको स्वार्ड दिखाकर बोलता है ये ब्राइड मुझे दे दो। तो तभी वहाँ पर लूजिंग आती है और वो उस बंदे को धुलाई कर देती है, और जब वो उसके चेहरे से कपड़ा हटाती है तो वो शिया लान का छोटा भाई शिया याउजू होता है, जिसे देख सब चौंक जाते हैं। शिया लान ने ही उसे बुलाया होता है शादी रोकने के लिए, क्योंकि वो जियान से शादी नहीं करना चाहती थी। इन सब के बीच युबिंग मौका देख घोड़े पर बैठ के भाग जाती है। हमारा हीरो छत से नीचे कूदता है और वो युबिंग को भागता देखता है और बोलता है मैं इसे पकड़ के ही रहूँगा क्योंकि ये मेरी है, और वो भी युबिंग के पीछे घोड़ा ले भाग जाता है। अपने रूम में लान याउजू को चिल्लाकर बोल रही होती है कि अगर तुम वहाँ आने में थोड़ी और देर कर देते हो तो शायद मेरी शादी उस यमाशू से हो जाती। तो वो बोलता है लेकिन हुई तो नहीं ना, और वो लान को बाहर की सारी खबरें देने लगता है। युबिंग भागी तो उसके पीछे जियान भाग गया, और डैड ने जियान के फादर शू गाउलिंग को घर के बाहर फिकवा दिया शादी तोड़ने के लिए, और लाउजिंग को डैड ने एंसेस्टर हॉल में सजा दी है बटर बिस्किट्स में पॉइजन मिलाने के लिए, और उसे बटर बिस्किट्स बनाने के लिए मना किया है। लाउजिंग को देखने ई विंजाओ गया था तो उसके फादर ने उनके आदमियों को उसे पकड़ने को भेजा है और बोल रहे थे कि चाहे कुछ भी हो लेकिन वो अपने बेटे की शादी लाउजिंग एक कुक से कभी नहीं होने देंगे। यह सब सुनने में लान को बड़ा मज़ा आ रहा होता है। अब आप बोलोगे कि ये तीनों सिस्टर्स होकर भी ये लान लाउजिंग और युबिंग इन दोनों से इतना क्यों नफरत करती है, उन्हें फंसाना क्यों चाहती है। तो मैं आपको बता दूं कि युबिंग तो उसके छोटे अंकल की बेटी है और लाउजिंग तो उसकी स्टेप सिस्टर है, यानी उन दोनों के फादर तो एक है लेकिन माँ अलग अलग है। अपने आप को उन दोनों से बेटर साबित करने में लगी होती है और ना ही उन दोनों को कभी खुश हैप्पी होने का मौका देती है। और लान तो युबिंग की शादी जियान के जैसे अच्छे लड़के से कभी होने ही नहीं देना चाहती। वो याउजू को बोलती है कि वो अपने डैड को जाकर ये बोले कि वो शादी टूटने की वजह से इतनी सैड है कि वो अब शूज़ यानी जियान के फैमिली को दोबारा इस घर में देखना नहीं चाहती। अब हमारे लीड्स की पकड़म पकड़ाई देखते हैं। युबिंग भागते भागते एक रिवर के पास जाकर रुक जाते हैं। उसके पीछे जियान आता है और बोलता है तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो, मैं तो तुमसे सिर्फ बात करना चाहता हूँ। लेकिन युबिंग उससे दूर रहने को बोलती है और बोलती है शादी के लिए दो लोगों के बीच एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होना ज़रूरी है, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं तो फिर मैं तुमसे शादी कैसे कर लूँ। तो जियान बोलता है अभी सुबह में ठीक यहीं पर तो हम दोनों मिल चुके हैं, और बोलता है मुझे तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया, मैं तो तुमसे सच में शादी करना चाहते हूँ। लेकिन युबिंग मना कर रही होती है और बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पानी में कूद जाऊँगी। तो जियान को लगता है ये तो बस ऐसे ही बोल रही होगी, लेकिन युबिंग में मन में सोचती है कि इसके हाथों जहर खाकर मरने से तो अच्छा है मैं खुद ही एक बार और मर जाऊँ, और युबिंग पानी में कूद जाती है। अब हम देखते हैं कि इस कॉमिक राइटर को उसका एडिटर कॉल करके बोलता है तुमने फिर से हीरो को विलन बना दिया, पहले तो हीरोइन को जहर पिलवा दिया और अब हीरोइन को रिवर में कूदवा दिया। वो उस पर चिल्ला रहे होते हैं तो आनलान बोलती है आप जैसी स्टोरी को समझ रहे हो वैसे नहीं हो। लेकिन एडिटर उसकी कुछ नहीं सुनता और वो बोलता है मैं इसे अब और नहीं पढ़ूंगा, मैं अब इसे कल के कल ही रिलीज़ कर दूंगा और उसके बाद जो नतीजा होगा उसे हम देख लेंगे, इसके जो व्यू रेट आएंगे वो तुम्हारा भविष्य डिसाइड करेंगे। अब राइटर फिर से कहानी लिखने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि युबिंग के पानी में कूदने के बाद जियान उसे बचाने के लिए पानी में कूदता है। अब हम अगले सीन में युबिंग को एक जगह सोया देखते हैं। वो उठती है और अपने पास एक पुतला देखती है जिस पर बहुत सारी सुइयां चुभी होती है। अब आपको भी इसे देख ऐसा लग रहा होगा कि ये ब्लैक मैजिक का होगा, लेकिन रुके, ये जो पुतले पर सुइयां ब्लैक मैजिक के लिए नहीं बल्कि पहले के ज़माने में कुछ बीमारियों का इलाज करने के लिए एक्यूपंक्चर नाम की कोई थेरेपी होती थी, जिसमें अपने नसों की कुछ मेन पॉइंट्स पर ये चुभाकर किसी टेक्निक से पेशेंट का इलाज करते थे, और ये काफ़ी अच्छा इलाज होता था उस ज़माने में। अब आगे युबिंग तो वहाँ का माहौल देख, वो पुतला देख और साथ ही साथ वहाँ पर जियान को काले कपड़े में देखती है तो डर जाते हैं कि कहीं ये इसे मारेगा तो नहीं, और वो फिर से बेहोश होने का नाटक करती है।
और वो उस पुतला उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। लेकिन जियान तो उसके लिए हर्ब्स का सूप बना के यानी काढ़ा बना कर लाया होता है उसे पिलाने। वो वहाँ नीचे गिरे पुतले को देख समझ जाता है कि ये नाटक कर रही है। वो युबिंग को काढ़ा पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे युबिंग को लगता है कि ये जहर पिला रहा है, तो वो अपना मुँह मोड़ लेती है। तो जियान उसका मुँह खुलवाने के लिए उसका नाक दबा लेता है, जिससे कि वो युबिंग को सांस लेने में तकलीफ होने से वह उठ जाती है और भागने लगती है। तो जियान उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है और बोलता है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। लेकिन युबिंग बोलती है, तुम मुझे बाद में के वैसे भी मार ही दोगे, इससे अच्छा है कि अभी मार दो। तो जियान को समझ नहीं आता कि ये क्या बोल रही है, और वो बोलता है, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा। तो युबिंग बोलती है लाउजिंग का बदला लेने के लिए, लेकिन जियान लाउजिंग कौन है ये उसे अभी पता नहीं होता। लाउजिंग मन में सोचती है, इसने तो मुझे लाउजिंग से प्यार करता था, इसीलिए उसे फ्रेम करने की सज़ा देने के लिए मुझे दो बार जहर पिलाकर मारने की कोशिश की। लेकिन युबिंग जियान के फेस को देख लगता है कि शायद सच में इसे नहीं पता कि लाउजिंग कौन है। शायद दो बार मरकर उठने के बाद सारी चीज़ें चेंज हो गई है। युबिंग जियान से पूछती है, लेकिन तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। तो जियान बोलता है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी स्पेशल है। तो ये सुन वो शॉक हो जाती है। जियान उसका हाथ पकड़कर उसकी पल्स चेक करके बोलता है, मुझे तुम्हारी बॉडी लेने के लिए पहले तुम्हें पाना होगा। तो ये सुन वो डर जाती है और बोलने लगती है, पहले तुम मुझे छोड़ दो, बाद में फिर तुम मुझे जो करने को कहोगे वो मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ, आई स्वेयर। तो जियान अचानक से उसके मुँह में एक पॉइजनस पिल डाल देता है और उसे बताता है कि अगर 3 दिनों के अंदर इस पिल का एंटीडोट नहीं मिला तो उसके बाद तुम्हें ऐसे मरने की जैसी फीलिंग आएगी कि कोई तुम्हारा पेट कट कर रहा हो, तुम्हें इतना दर्द होगा। अगर तुम्हें इसका एंटीडोट चाहिए तो तुम्हें 3 दिनों के अंदर मुझसे शादी करनी होगी। तो ये सुन युबिंग घबरा कर उल्टी करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। हम देखते हैं कि युबिंग फिर से लॉर्ड डीमन के पास पहुंच जाती है। उसे लगता है कि वो मर गई और दोबारा से ज़िंदा हो जाएगी। लॉर्ड डीमन उसे अचंभे से देख रहा होता है और बोलता है, तुम बार बार यहाँ क्यों आती रहती हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई इमोर्टल हो क्या। वो उसे बताते हैं कि ये उसका जीने का लास्ट चांस है। वो उसे सच्चाई बताते हैं कि वो कोई रियल इंसान नहीं, वो तो बस एक राइटर की स्टोरी का कैरेक्टर है। तुम्हारे क्रिएटर ने कुछ रीजंस की वजह से इस कहानी को बार बार क्रिएट की, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी चांस है सर्वाइव करने का। इन शॉर्ट, अगर राइटर की स्टोरी किसी को पसंद नहीं आई तो वो भी गायब हो जाएगी। यहाँ हम देखते हैं कि जियान के फादर जियान से फाइट करने लगते हैं, क्योंकि जियान ने सबके सामने शादी करने से मना करके उनकी नाक कटा दी और ऊपर से उसी घर के दूसरी लड़की से शादी करने को बोला। जियान के फादर जियान की जल्दी से जल्द शादी करवाना चाहते हैं। जियान के फादर अपने पास से जियान की एक ज़रूरी नोटबुक निकालते हैं और बोलते हैं, अगर मैंने घर में 3 दिनों के अंदर मेरी डॉटर इन लॉ को नहीं देखा तो ये बुक तुम्हें दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। जियान उनसे वो बुक लेने की कोशिश करता है तो वो उसके फादर उसे ही मार पीट के मार्शल आर्ट में हरा देते हैं। युबिंग झूले पर बैठ अपसेट बैठी होती है और लॉर्ड डीमन की बात याद करती है। उन्होंने उसे सैंड का हावर ग्लास दिखाया था। उन्होंने उसे बताया था कि इसमें जितने सैंड है उतना ही वक्त का टाइम यानी सिर्फ 1 महीने का टाइम ही उसके पास जीने के लिए है। अगर तुम्हें इस स्टोरी में ज़िंदा रहना है तो तुम्हें इस हावर ग्लास में पैसे कमाकर सैंड खरीदनी होगी। जितनी ज़्यादा सैंड उतनी ज़्यादा उसकी लाइफ। इन शॉर्ट कि राइटर की कॉमिक अच्छी रैंक कर गई तो स्टोरी उतनी ही लंबी चलेगी और उतना ही जियान को जीने का मौका मिलेगा। बेचारी युबिंग परेशान हो जाती है। हम देखते हैं कि जियान और वेंजाओ साथ में बात ले रहे होते हैं। वेंजाओ जियान को उसके पेट पर बने निशान दिखाता है जो लूजिंग के हाथों से 88 बार मार खा खा के बने होते हैं। वेंजाओ जियान से लाउजिंग को पटाने के नुस्खे मांगता है। पहले तो जियान मना करता है, लेकिन फिर बाद में वो उसे सजेस्ट करता है कि उसे लाउजिंग की हॉबी को यानी बटर बिस्किट बनाने की उसे अपनी हॉबी बनाकर उसकी हेल्प करनी चाहिए। युबिंग को लॉर्ड डीमन ने पैसे कमाने का एक तरीका बताया होता है कि उसे यांशिया सिटी के फूड फेस्टिवल में होने वाले कॉन्टेस्ट में लाउजिंग की होम मेड बटर बिस्किट बेचने में मदद करनी होगी और उसे फर्स्ट प्राइज दिलवाना होगा। हम देखते हैं कि फेस्टिवल में वेंजाओ भी लाउजिंग की हेल्प करने के लिए तंबू गड़ाए बैठा होता है। वो उसके बटलर को एक काम देता है। वहाँ पर लाउजिंग आते हैं। वो उसके पास जाकर स्टाइल में खड़ा हो जाता है, लेकिन बेचारे की फिर से किस्मत ख़राब, उसके हाथ से एक पंच खाना पड़ता है। जियान के ड्रग स्टोर पर एक कस्टमर मेडिसिन खरीदने आती है।
बिल करने के टाइम हम देखते हैं कि उसे गिनती करने नहीं आती। वो बड़ी मुश्किल से गिनती कर पाता है, लेकिन वो भी गलत। जहाँ 126 कॉपर देने होते हैं, वो वहाँ पर 100 कॉपर ही दे देता है और अपना नुकसान करवा लेता है। गोंग उसे बताता है कि आपके फादर फोर फेस्टिवल में आपके लिए डॉटर इन लॉ ढूंढने गए हैं। और जब उस जियान उससे पूछता है कि यूबिंग कहाँ है, तो वो उसे बताता है कि वो भी उसी फेस्टिवल प्लाजा में गई है। तो वो बोलने लगता है कि इसे तो मेरे पास एंटीडोट लेने के लिए आना चाहिए था, लेकिन वो बाहर घूम रही है। इसका दिमाग तो ठिकाने पर है या नहीं। और वो भी उसे देखने वहाँ चला जाता है। लान अपने आप को आईने में देख खुश हो रही होती है और वो वेंजाओ के साथ शादी के सपने बुन रही होती है। उसकी मेड उसका नाम पुकारते हुए उसके पास आकर बताती है कि लेडी लोजिंग असिस्टर हॉल से भाग गई है और वो फादर को बिना बताए उनकी बिना परमिशन के बटर बिस्किट बेचने फूड फेस्टिवल गई है। और उनके साथ मास्टर वेंजाओ भी गए हैं और उनके मास्टर वेंजाओ के फादर भी वहाँ पर अपने लिए डॉटर इन लॉ ढूंढने गए हैं। ये सुन वो हड़बड़ा जाती है और वो भी वहाँ के लिए निकलती है। ये कहेगी कि मैं उस लूजिंग को वेंजाओ को मुझसे छीनने नहीं दूंगी। यहाँ हम देखते हैं कि वेंजाओ अपने बटलर शुई का वेट कर रहा होता है, क्योंकि उसने लूजिंग की हेल्प करने का ये तरीका ढूंढा होता है कि वो बहुत सारे लोगों को पैसे देकर खरीदेगा और उन्हें लूजिंग के बिस्किट को खरीदनी होगी, जिससे लूजिंग के सारे बिस्किट बिक जाएंगे और वो खुश होकर उसके पास आएगी। जब शुई लोगों को पैसे देकर खरीद रहा होता है, वहाँ पर वेंजाओ का फादर आता है और वो शुई से पैसे ले लेता है और सबको डांट कर भगा देता है। वो नहीं चाहते कि वेंजाओ ये सब करे और वो लूजिंग की शादी वेंजाओ से नहीं करवाना चाहते। यूबिंग लूजिंग के स्टॉल पर उसकी हेल्प करने आती है, लेकिन वो उसे बोलती है मगरमच्छ के आंसू यहाँ क्यों आई है। उसे लगता है कि उसके बटर बिस्किट में पॉइजन यूबिंग ने मिलाया था। यूबिंग उससे उसकी गलती के लिए माफ़ी मांगती है और बोलती है कि उसने लान के साथ मिलकर उसे बहुत सताया, उसके लिए वो उसे माफ़ कर दे। लेकिन लूजिंग को उस पर भरोसा नहीं होता और वो उसकी हेल्प लेने से मना कर देती है। तो यूबिंग उसके बिस्किट उठाकर चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा करके बोलने लगती है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, यानी पहले खाके देखो फिर खरीदो। और वो ज़्यादा खरीदने पर डिस्काउंट के ऑफर देकर कस्टमर को आकर्षित करते हैं और बहलाकर उन्हें बिस्किट खरीदने के लिए उत्सुक कर देती है। लोगों की लूजिंग को बिस्किट खरीदने के लिए भीड़भाड़ लग जाती है। वेंजाओ के फादर भी उन्हें देख रहे होते हैं, स्पेशली यूबिंग की टेक्निक को, और वो उससे इम्प्रेस हो रहे होते हैं। वहाँ पर लान गार्ड के साथ लूजिंग को पकड़ने आती है। लूजिंग तो उसे भिड़ने जाना चाहती थी, लेकिन यूबिंग उसे पकड़ती है और समझाती है कि तुम्हें फर्स्ट प्राइज जीतना है और अगर तुम्हारे फादर को पता चल गया तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। इस बीच लूजिंग जल्दी से भागने लगती है, यूबिंग भी उसके पीछे जाती है। सामने से जियान भी यूबिंग को ढूंढता हुआ वहाँ ही आ रहा होता है, इसलिए वो दोनों अलग अलग दिशा में जाते हैं। लेकिन जियान यूबिंग को ढूंढकर उसका पीछा करने लगता है। जब लान लूजिंग को पकड़ने की कोशिश करती है तो वो लूजिंग उसके आँख में मिट्टी डाल देती है और हवा में उड़ जाती है। लान उसे ढूंढती ही रह जाती है। बच्चे लूजिंग को हवा में उड़ता देख शौक होते हैं कि कुछ ज़्यादा नहीं हुआ हवा में उड़ना, वो भी स्टॉल को लेकर। यूबिंग जियांग को चकमा देने में कामयाब हो जाती है। लूजिंग के अभी भी बहुत सारे बिस्किट बेचने बाकी होते हैं, इसीलिए यूबिंग एक तिकड़म लगाती है। वो वेंजाओ से जाकर 50 सिल्वर्स लेती है लूजिंग के नाम करके, और वो जो इंसान ठंडी बर्फों वाली शेव आइस बेच रहा होता है उससे वो खरीद लेती है। और वो आइस फ्रूट और बिस्किट को मिलाकर एक नई डिश बनाती है और डिस्काउंट लगाकर बेचती है, जिससे लोग समर में ठंडी से ये वाली डिश को खाना पसंद करते हैं और उस डिश को ख़रीदने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। वेंजाओ के फादर यूबिंग की इस बिजनेस करने की टेक्निक से इम्प्रेस होते हैं। और वहाँ पर जियान का फादर भी अपने लिए बहू ढूंढने आया होता है और वो भी यूबिंग की इस स्मार्ट बिजनेस करने के तरीके को देख इम्प्रेस हो जाते हैं। और वो दोनों फादर्स यूबिंग की तारीफ कर एक साथ अपने बेटे के लिए यूबिंग को अपनी बहू बनाने की सोचते हैं। इन दोनों की आपस में बनती नहीं, उन दोनों के बीच यूबिंग को बहू बनाने के लिए कंपटीशन स्टार्ट होती है। वहाँ पर वेंजाओ के पास जियान भी आता है। लूजिंग और यूबिंग फेस्टिवल में फर्स्ट प्राइज जीत जाते हैं। जब स्टेज पर प्राइज लेने की बारी आती है तो यूबिंग लूजिंग को वापस घर जाने असिस्टर हॉल जाने को बोलती है, ताकि उसे लान पकड़ ना पाए और उसके फादर उसे सजा ना दे। उसके पीछे से जियान आता है जो लूजिंग के पीछे से नस पर मार बेहोश कर देता है। उसे वेंजाओ संभालता है और अपने साथ ले जाता है। वेंजाओ लूजिंग को तो ठीक से उठा भी नहीं पा रहा था,
वहाँ पर लान भी उन दोनों को ढूंढते हुए वहाँ पर आती है। युविंग लुजिंग को लान को ढूंढने देना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो लान से पीछा छुड़ाने के लिए, उसका ध्यान भटकाने के लिए जियान को किस कर देती है, जिसे देख लान शॉक हो जाती है। और जिस जगह वो खड़े होते हैं वो प्राइज़ देने का स्टेज होता है। स्टेज का पर्दा हटता है और सारे लोग उन दोनों को देख लेते हैं। इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलेंगे।